प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। जी संजू का टीजर है। जी 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 रणबीर कपूर ने जो रोल जो हमने लुक देखे उनके आपको जी क्या पसंद आए? यार आई थिंक इतिहास गवाह रहेगा संजय दत्त जैसे इंसान की कहानी जब भूली जाती है तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है उस इंसान पर। राजकुमार हिरानी से बेटर डायरेक्टर नहीं हो सकता था हिंदुस्तान में जिन्हें चुना गया, जिन्होंने ये बोझा अपने कंधों पे लिया। एंड टीजर देख के पता लगता है कि वो आपको हंसाएंगे भी रुलाएंगे भी और वो कहानी बता के जाएंगे जो हमने कई बातों में सुनी है या समझी है या देखी और सोचा कि यार क्या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। आपको ट्रेलर से समझ आता है कि आपको वो हर पहलू दिखाने वाले, कुछ छुपने नहीं वाला। सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू विल गोइंग टू सी एवरी चैप्टर ऑफ दैट मैन्स लाइफ बिकॉज ही इज आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद हिम नेक्स्ट ईयर, यू नो। सो आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म एंड देन आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क विद अ मैन एट द एंड ऑफ द डे, दैट मेक्स इट सो मच मोर डिफिकल्ट। एंड आई थिंक रणबीर हैज डन एन अमेजिंग जॉब, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, दैट गोज विदाउट सेइंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर डूइंग रोल्स लाइक दिस। सो इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड आई होप इट टर्न्स आउट टू बी इवन बेटर देन द टीजर। जी ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। आई थिंक द नर्वसनेस विल हैपन व्हेन आई फाइनली रीच द सेट। जब चीज़ें ऐसी अनाउंस होती है, ऐसी फिल्में करते हो, यू लुक फॉरवर्ड एज एन एक्टर, यू ग्रोन अप वांटिंग टू डू दीज थिंग्स, टू वर्क विद कृति, टू वर्क विद आशु सर एंड टू वर्क विद संजू सर। ऑफ कोर्स संजू सर बीइंग समबडी हु इज अ बेंचमार्क व्हेन इट कम्स टू द मेल एक्शन जॉनर एंड टू डू अ फिल्म विच इज अ प्रॉपर एक्शन फिल्म विद हिम, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप टू एंजॉय माय सेल्फ। थोड़ा सा और ऐसे करता तो इधर आ ही जाता, इसी से जुड़ा हुआ। चलिए आखिरी सवाल दूर में निकलते हैं। जी 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 पानीपत का सेट बन रहा है जी, और पेशवा बाजीराव की भूमिका में हम रणबीर को भी देखते जी, आप भी बन रहे हैं। देखिए बहुत अभी बहुत अर्ली है, मतलब मैं शूटिंग भी शुरू, मतलब शूटिंग के बहुत दूर हूँ, तो आपने अपना आखिरी सवाल वेस्ट कर दिया बेसिकली। मैं वो कहना चाहता हूँ अभी बहुत टाइम है और इसकी फिल्मों की बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं। आज आइफा का मौका है तो आइफा की बात करते हैं।